तुम चाहे जो भी कर लो, लेकिन लूडो में तुम मुझे नहीं हरा सकते। देखते हैं बॉस, आगे आगे देखो होता है क्या। वीर, मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, मुझे भूख लग रही है, मुझे गाजर चाहिए, प्लीज मुझे गाजर ला कर दो ना। बस गेम फिनिश हो जाने दो, मैं बाजार से जाकर तुम्हारे लिए गाजर ले आऊंगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए। अरे रुको ना, थोड़ी देर खेलने दो ना। कहाँ ना, अभी जाता हूँ। ये देखो, मेरा फिर से 6 आया है। ये क्या चक्कर है, तुम्हारे सबसे ज्यादा 6 आ रहे हैं? तुम अपने मैजिक से ये सब नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं, मैं कोई मैजिक नहीं कर रहा। ये देखो, ये देखो, मेरा फिर से 6 आया है। वीर, तुम्हें नहीं जाना गाजर लेने तो मना कर दो, मैं खुद बाजार जाकर गाजर ले आऊंगा। हाँ तो ठीक है, जाओ ना, खुद ले आओ, अपना काम खुद करना सीखो, समझे? हाँ तो जा रहा हूँ ना। हाँ तो जाओ ना, रोका किसने है? तो जा रहा हूँ मैं। वीर, तुम्हें चुलबुल पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, उसे नाराज कर दिया। पता है ना, गुस्सा करना बुरी बात है। आई नो यार, पर तुम परेशान मत हो, चुलबुल को मैं जानता हूँ, दोस्त है मेरा, थोड़ी देर में गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगा। अरे वाह, मौजा ही मौजा, गाजर ही गाजर। वीर क्या सोचता है, वो मुझे गाजर लाकर नहीं देगा तो मुझे गाजर नहीं मिलेगा क्या? अरे वाह, बड़ा तंदुरुस्त गधा मिला है भाई, इसको पकड़ लेता हूँ। कपड़ों की पोटलियाँ ढोने के लिए इससे बढ़िया गधा नहीं मिलेगा। इसको गाजर पसंद है, लो जी, इसे पकड़ने की तरकीब भी मिल गई। अरे वाह, गाजरों की लाइन, लगता है आज ऊपर वाला मुझ पर बहुत मेहरबान है, आज तो सारे गाजर चट कर जाऊंगा। जब ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। मैं यहाँ कहाँ फंस गया, सुबह से लगातार काम करवाया जा रहा है ये आदमी, और यहाँ ना कोई मेरी बात सुनने वाला है और ना ही कोई मेरी हालत समझने वाला। चल चल काम कर, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, चल चल जल्दी काम कर, चल। एक तरफ ये आदमी है, दूसरी तरफ मेरा दोस्त है वीर, जो मुझे कितनी रिस्पेक्ट और प्यार देता है। मैंने वीर से झगड़ा ही क्यों किया। मिस यू वीर, तुम कहाँ हो? जिन्तु, मुझे पता नहीं चुलबुल कहाँ है, प्लीज जल्दी से चुलबुल को ढूंढ कर यहाँ लाओ। ओके बॉस, अभी लो। ये चुलबुल हमेशा परेशान करता रहता है, अच्छा ही हुआ जो यहाँ से चला गया। एक काम करता हूँ, बॉस को कोई दूसरा सीधा साधा सा डोंकी लाकर देता हूँ। अरे क्या सोचने लगे जिंटू, जल्दी करो ना। हाँ करता हूँ, ये लो, ये आ गया चुलबुल। चुलबुल तुम कहाँ थे, पता है ना तुम्हारे बिना मैं कितना उदास हो जाता हूँ। तो तुम अभी तक गुस्सा हो, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें गाजर ला कर देता हूँ, ये लो गाजर खाओ और गुस्सा भूल जाओ। धैचु, 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 हरी हरी घास खिलाने के बजाय गाजर दे रहा है, मुझे क्या खरगोश समझा है, मैं नहीं खाऊंगा गाजर, जा। अरे बस बहुत गुस्सा हो गया, अब खाओ ना गाजर। मैं गाजर तो नहीं खाऊंगा, लेकिन हाँ तुझे लात जरूर खिलाऊंगा। क्या कर रहा है, हवाई जहाज बनकर उड़ना है तो लैंड करने के लिए क्या मेरी ही कमर मिली थी तुझे? सॉरी अंकल। वाह वाह, क्या लात मारी है डोंकी ने वीर को। ले बेटा ले, एक गाजर मेरी तरफ से भी खा और एक लात और मार वीर को। हाँ हाँ, उसे तो मारूंगा ही, पर पहले एक लात तू भी खा। मेरी कमर तोड़ डाली, आज मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ डालूंगा बंटी के बच्चे। ये हमारा चुलबुल नहीं हो सकता,
चुलबुल इतना बदतमीज और गुस्से वाला नहीं है। चुलबुल कहाँ हो तुम? मैं क्यों अपने दोस्तों को छोड़ के आया, अब उससे कैसे मिलूंगा? हो गया, जा मेरी रोबोट बट, चुलबुल जहाँ कहीं भी है उसे ढूंढ कर लाओ। चुलबुल चुलबुल जा। चुलबुल चुलबुल वीर, ये तुमने क्या बनाया है और ये चुलबुल को ढूंढने में कैसे हेल्प करेगा? ये एक रोबोटिक बर्ड है जिसमें मैंने चुलबुल का फोटो अपलोड कर दिया है। ये देखो, ये हर डोंकी के पास जाकर चुलबुल का नाम पुकार रही है। चुलबुल चुलबुल चुलबुल। वाओ वीर, तुम नाम की ही नहीं सचमुच के वीर हो। चुलबुल चुलबुल चुलबुल। यस यस, मैं हूँ चुलबुल, लेकिन तुम कौन हो? यस, चुलबुल चुलबुल तुम घबराना नहीं, मैं आता हूँ मेरे दोस्त, लेकिन तुम अभी हो कहाँ? मैं यहाँ एक धोबी घाट में हूँ, मुझे एक धोबी ने पकड़ रखा है, प्लीज जल्दी आओ यार, हालत बहुत टाइट है। हाँ हाँ मैं आता हूँ, तुम घबराओ मत। ये गधा ससुरा चिड़िया से का बात कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, इस गधे का कुछ करना पड़ेगा। यहाँ चुलबुल नाम का डोंकी किसी के पास है क्या? वो काफी हेल्दी और स्मार्ट है, आपने देखा है उसे? हाँ हाँ देखा है, वो उधर लास्ट में एक धोबी है उसी के पास है वो। थैंक यू। अरे जितनी जल्दी हो सके इस गधे को यहाँ से ले जाओ, इसका मालिक यही है, अगर उसने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे टेंशन मत लो, हमारे हाथ से कोई नहीं निकल सकता, समझा? वीर वीर मुझे बचाओ, वीर मैं यहाँ हूँ। ट्रक तो ना रोक सकता मैं भाई, पर तन्ने जरूर रोक दूंगा। वीर वीर मुझे बचाओ वीर। तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं, मेरे दोस्त को नहीं ले जा सकते तुम। क्या हो रहा है, ये लड़का है या छुपा? सॉरी वीर, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं चुलबुल, मेरी भी गलती थी, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। अब गलती किसी की भी हो, लेकिन सजा तुम दोनों को एक साथ मिलेगी। आखिरकार इमली सही कहती है, गुस्सा और झगड़ा करने से कभी किसी का भला नहीं होता। सही कहा,
जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अब चाहे कुछ भी हो, मैं कभी नाराज नहीं होऊंगा। हम दोस्त थे, दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे। ए मैड मैक्स, बहुत दिन हो गया। हमने तुमको $5 million दिया था और तुमने हमसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमें प्रेम सहाय का बनाया हुआ रोबोटिक मैन लाकर दोगे, लेकिन तुम अभी तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो हमारा $5 million वापस कर दो। मैं वही तो करने में लगा हूँ, दिन रात सिर्फ एक ही सपना देखता हूँ। मैंने तुम्हें सपने देखने के पैसे नहीं दिए। डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट ला कर दो मुझे। मेरा सपना उस रोबोट को ही पकड़ने का है और उस सपने को पूरा करेगा ये रोबोट एनाकोंडा। ये क्या करेगा? ये जमीन के अंदर ट्रेवल करेगा और जमीन के ऊपर जो भी ह्यूमन शेप मेटल के रूप में दिखेगा उसे निकल के यहाँ ले आएगा। मेटल का ह्यूमन शेप सिर्फ डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट ही हो सकता है। मियाओ, बॉस, यू आर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। आप सच में जीनियस हो। ये देखिए, मैंने प्रेम सहाय के रोबोट की एक डमी बनाई है। अब एनाकोंडा रोबोट इसे पकड़ लेगा और हमें पता चल जाएगा कि एनाकोंडा रोबोट अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं। अरे ये क्या? Sorry, boss. Mad Max is mad. Very, very mad. Timbuktu, उस डमी रोबोट को मेरे पास रखने की क्या जरूरत थी? मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। Sorry, boss. गलती हो गई। तो अब गलती की सजा भी भुगत। नहीं, नहीं, boss. Boss. अब ये देखो मेरा शॉट, संभालो। अब इसमें क्या संभालूं? शटल कॉक तो तुमने पेड़ पर अटका दी। तो क्या हुआ, तुम हो ना, जाओ लेकर आओ उसे। ओके। ये जमीन के नीचे वाइब्रेशन क्यों हो रही है? कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। बाल बाल बचा, ये तो मेटल का सांप है, यानी कि रोबोट है जो मेरे लिए ही आया है। जरूर मैड मैक्स ने भेजा होगा इसे। ये क्या है वीर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जहाँ तक चड्डा अंकल की कार का सवाल है वो ठीक नहीं है। चड्डा अंकल, मेरी कार? ओए मेरी कार कहाँ गई? हाँ ये अचानक। अंकल हट जाओ जल्दी। ओए हम हटते नहीं, लोगों को हटाते हैं। जल्दी बताओ कार कहाँ है, आखिर ये गायब कैसे हो गई? अरे कोई मुझे निकालो। कार यहाँ है। इमली, वीर, भागो यहाँ से। तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, मैं इसे संभालता हूँ। कोई मुझे निकालो यहाँ से। मैड मैक्स बहुत चालाक है, उसने ऐसा रोबोट भेजा है जो अंडरग्राउंड रह के भी तुम्हें देख सके और पकड़ सके।
यही तो प्रॉब्लम है दादाजी, कि वो मुझे देख सकता है लेकिन मैं उसे नहीं देख सकता। इस प्रॉब्लम का सलूशन तो मेरे पास है। ये लो, एक्सरे विजन क्लासेस। तुम अपनी रोबोटिक आई पर इन्हें पहन लो, फिर तुम भी उसको डिटेक्ट कर सकते हो। ये हुई ना बात दादाजी। दादाजी, ये रोबोट तो हमारे घर के नीचे ही है। अभी मैं जिंटू की हेल्प से इसे बाहर निकालता हूँ। जिंटू, कहाँ हो तुम? तद्दिना दिन दिन, मैं हूँ जिन, मैं हूँ जिन। कहो बॉस, क्यों याद किया? जमीन के नीचे एनाकोंडा है, उसे पकड़कर बाहर लाओ। अभी लो बॉस। ओह नो, ये क्या कर दिया तुमने? ये एनाकोंडास नहीं चाहिए, वो एनाकोंडा चाहिए जो इस वक्त हमारे घर के नीचे है। गायब करो इन्हें। आप कोई भी ऑर्डर ढंग से नहीं देते। मैं इन एनाकोंडास को वापस भेज रहा हूँ और खुद भी जा रहा हूँ। दादाजी, जिंटू तो नाराज होकर चला गया, अब मुझे ही खुद कुछ करना पड़ेगा। वीर, तुम अगर जमीन पे चलोगे तो ये तुम्हें फिर से देख लेगा। तो फिर क्या करूं? अभी बताता हूँ। ये हैं जेट शूज, तुम इन्हें पहन के उड़ सकते हो। कुछ स्टेप्स जमीन पे भागो ताकि एनाकोंडा तुम्हें डिटेक्ट करके तुम्हारे पीछे आए। फिर हवा में उड़ जाओ ताकि वो तुम्हें पकड़ ना सके। समझ गए? थैंक यू दादाजी, समझ गया। ये लो रिमोट। जब तुम इसका ग्रीन बटन दबाओगे तो जेट निकल आएगा और तुम उड़ जाओगे। और जब तुम इसका रेड बटन दबाओगे तो ये जमीन पे उतर आएगा। रेड बटन दबाओ, रेड बटन। वो तुम्हें इन शूज की आदत नहीं है। जब हवा में हो तो बॉडी का बैलेंस करना होगा, वरना टेढ़े मेढ़े उड़ते रहोगे। ओके दादाजी। ओके वीर, अब जल्दी जाओ और इसे शहर से दूर ले जाओ। वीर, तुम हेल्प के लिए जिंटू को क्यों नहीं बुला रहे? अरे, एक ही मुसीबत कम है क्या कि दूसरी मुसीबत को भी बुला लूं? डोंट वरी, मैं खुद इससे निपट लूंगा। मैं यहाँ हूँ चुलबुल, बताओ क्या करना है? क्या तुम इससे एनाकोंडा का कोई इलाज कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छे से इलाज कर सकता हूँ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो जिंटू? जो तुमने कहा वही तो कर रहा हूँ। तुमने कहा इसका इलाज करो तो वही कर रहा हूँ। हे ऊपर वाले, जब आप अकल बांट रहे थे ये जिंटू सो रहा था क्या? अब जिंटू तुम जाओ, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा भाई। जाओ 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 जाओ, चले जाओ, बाय। जब वापसी भेजना होता है तो बुलाते ही क्यों हो? जा रहा हूँ मैं अब, बार बार बुलाकर मुझे डिस्टर्ब मत करना। बाल बाल बचा, बहुत डेंजरस है ये तो। बहुत भाग लिया, अब तेरे रुकने का टाइम आ गया है। अब तुम वापस
वापस अपने बॉस के पास जा सकते हो बच्चे, गुड बाय। ये क्या किया वीर तुमने? जब वो तुम्हारे कंट्रोल में आ गया था तो उसे दोबारा जिंदा करके छोड़ क्यों दिया? मैंने उसका कंट्रोल चेंज कर दिया है, अब वो मेरा नहीं अपने बॉस का शिकार करेगा। वीर, तुम नाम की ही नहीं सचमुच के वीर हो। लो आ गया मेरा एनाकोंडा रोबोट, मैड मैक्स इज ग्लैड, ग्लैड 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 एंड ग्लैड। वेलकम एनाकोंडा, बताओ कहाँ है वीर? सब लोग अपनी अपनी जान बचाओ, क्योंकि अब हमारा एनाकोंडा हमारा नहीं रहा, हमारी जान का दुश्मन बन गया है। बचाओ, बचाओ, बचाओ बॉस। मैड मैक्स इज मैड मैड मैड।